लो हम लोग कंप्लीट एमसीक्यू सीरीज भी लेकर आएंगे जिसमें से कि हम मोस्ट एक्सपेक्टेड और रिपीटेड क्वेश्चंस आपके लिए लाएंगे जिससे कि आप लोग बहुत कम समय में भी इस एग्जाम को इजीली क्वालिफाई कर सकते हो सेशन पर आगे जाने से पहले आपको बता दूं कि मध्य प्रदेश सेट पेपर के स्मार्ट प्रिपरेशन के लिए फुल सिलेबस टेस्ट सीरीज हमने लॉन्च की है जिसमें पेपर वन के टोटल टेन यूनिट के फोर्टी से भी ज्यादा टेस्ट हम आपको प्रोवाइड कराते हैं सो ये टेस्ट आपको इंग्लिश एंड हिंदी दोनों ही लैंग्वेजेस में अवेलेबल है इसके साथ ही आपको शॉर्ट नोट्स भी मिलेंगे जो की एग्जाम में आपको बहुत ही ज्यादा मदद करते हैं ये फोर्टी मॉक टेस्ट अगर आप लोग अटेम्प्ट कर लेते हो एग्जामिनेशन से पहले तो आप लोगों को बहुत ईजी हो जाएगा एग्जाम में अच्छा स्कोर करने में एंड में से आपको एज इट एस क्वेश्चन को मिल सकते हैं इस टेस्ट सीरीज में मैं आपको हंड्रेड परसेंट गारंटी ये भी देती हूँ कि इसके अलावा आपको एग्जाम में कुछ भी कहीं से भी और देखने को नहीं मिलेगा एग्जाम का क्या पैटर्न है क्या डिफिकल्टी लेवल है उन सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए ये टेस्ट सीरीज हमने लॉन्च की है जिसको ज्वाइन करने के लिए आपको इन व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टेक्ट करना है एंड इसके लिए

एंड इसके अलावा बहुत सारे स्टूडेंट्स यूनिट वाइज और टॉपिक वाइज मेरे सेशंस की डिमांड कर रहे थे तो उन सभी के लिए सेपरेट सेशंस भी मैं लेकर आई हूँ तो आप आज ही इनको व्हाट्स नंबर्स नंबर पर कॉन्टेक्ट करके ज्वाइन जरूर कर सकते हो सो पेपर वन प्रिपरेशन के साथ पेपर टू पर भी आपको ध्यान देना बहुत जरूरी है एंड इसके प्रिपरेशन के लिए स्टडी मेटेरियल हम लेकर आए हैं जो कि एग्जाम के पैटर्न और डिफिकल्टी लेवल को ध्यान में रखते हुए ही बनाया गया है स्टडी इसमें इस से आपको एज इट इज क्वेश्चन देखने को मिलेंगे तो आप सभी स्टूडेंट्स स्क्रीन पर अपने सब्जेक्ट को चेक कीजिए नंबर पर कॉन्टेक्ट करके आप इसको ज्वाइन कर सकते हो इसके लिए फ्लैट ट्वेंटी परसेंट ऑफ में आज आपके लिए लेकर आई हूँ यानी कि सिर्फ ट्वेल्व हंड्रेड एंड एटी रूपीज में आप स्टडी का बेनिफिट उठा सकते हो एंड मैं आपको 100% श्योरिटी देती हूं कि ये आपको इस शॉर्ट पीरियड में भी बहुत हेल्प करेगा एग्जाम क्वालिफाई करने में सर्च का मतलब होता है सर्च करना किसी ऐसी चीज को जिसके बारे में हमें नहीं पता या फिर सर्च करना किसी ऐसी चीज को जिसके बारे में ऑलरेडी हमें पता है लेकिन थोड़ा सा पता है मान लीजिए किसी बात के बारे में हमें 100 में से सिर्फ 10 टू 20% अगर पता है उस चीज को भी हम लोग रिसर्च में काउंट कर सकते हैं सो रिसर्च में भी डिफाइंड एज सिस्टमैटिक मेथड ऑफ डिस्कवरिंग न्यू फैक्ट्स। कोई भी नए फैक्ट्स को नए तथ्यों को अगर हमें खोजना है तो उसके लिए रिसर्च इंपॉर्टेंट होता है रिसर्च क्या है एक सिस्टमैटिक मेथड है यानी कि एक प्रॉपर नियमों के साथ ही इसमें हम काम करते हैं एंड रिसर्च क्या है एक स्टेप बाय स्टेप मेथड भी है पहले स्टेप को अगर रिसर्च में हम समझेंगे फिर उसपे काम करेंगे उसके सक्सेसफुल होने के बाद ही हम दूसरे स्टेप पे अगर जाएंगे तो इस तरह से बहुत इजीली हम लोग रिसर्च में अपनी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढ सकते हैं यहाँ पे प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढना ही मेजर फोकस होता है किसी भी रिसर्चर का अगर मेरे पास मान लीजिए कि कोई प्रॉब्लम है उस प्रॉब्लम कोई भी यूनिवर्सल प्रॉब्लम हो सकती है कोई भी सोशल प्रॉब्लम हो सकती है इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन अगर हमें ढूंढना है तो उसमें हमें रिसर्च ही मदद करती है रिसर्च के बहुत से ऑब्जेक्टिव्स होते हैं ठीक है ऑब्जेक्टिव्स होते हैं जिसमें कि प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है टू डिस्कवर न्यू फैक्ट्स किसी टॉपिक को लेकर के या फिर सोसाइटी के किसी सिनेरियो को लेकर के अगर हम लोगों को नए तथ्यों की खोज करनी है तो उसके लिए भी पब्लिक रिसर्च की जा सकती है कोई एग्जिस्टिंग सिचुएशन है या फिर कोई एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम अगर हमारे पास है उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हम लोगों को कंप्लीटली नहीं मिल पा रहा तो उसकी इन्वेस्टिगेशन के लिए भी रिसर्च हमें मदद करता है सो so, ये कुछ इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स हैं टू वेरीफाई एंड टेस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट्स टू एनालाइज एन इवेंट और प्रोसेस और फिनोमिना टू आइडेंटिफाई एंड इफेक्ट रिलेशनशिप कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप का यहाँ पे क्या मतलब है कि मान लीजिए अगर मैं किसी प्रॉब्लम में फंस गई हूं यह प्रॉब्लम मेरे साथ क्यों हुई इसका क्या कारण था अगर हमें ये दोनों चीजें पता चल जाती हैं एंड इन दोनों के बीच में रिलेशनशिप पता चल जाता है तो इजीली हम इस प्रॉब्लम से बाहर निकल सकते हैं एंड आगे आने वाले समय में भी अगर हम इन दोनों चीजों को ध्यान में रखेंगे तो सेम प्रॉब्लम में तो एटलीस्ट हम लोग कभी भी नहीं फंस सकते तो इसीलिए रिसर्च के दौरान हमें उसके कॉज और इफेक्ट के बारे में पता होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है अब अगर हम लोग बात करें कि रिसर्च में जो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं उससे किस तरह के क्वेश्चंस एंटीए पूछता है सो so ये एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है इसमें मेन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ रिसर्च पूछे गए हैं टू रिव्यू द लिटरेचर टू समराइज व्हाट इज ऑलरेडी नोन यानी कि जो चीजें हमें पता है उसके बारे में और ज्यादा जानकारी लेना टू गेट एन अकेडमिक डिग्री सिर्फ डिग्री लेने के लिए रिसर्च होती है या टू तो डिस्कवर न्यू फैक्ट और टू तो मेक फ्रेश इंटरप्रिटेशन ऑफ नॉन फैक्ट्स यानी कि नए फैक्ट को ढूंढना एंड जो पहले से फैक्ट्स हमें पता है उसके बारे में और ज्यादा जानकारी को प्राप्त करना सो so, ये क्वेश्चन इस तरह से आता है जो चीजें मैंने आपको यहाँ पे स्लाइड में बताई उन्हीं में से ये क्वेश्चन आप देख सकते हो तो इस तरह से अगर आपको पता रहेगा कि कैसे क्वेश्चन आते हैं तो आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन को सोल्व करना इसी के साथ स्टूडेंट्स इस वीडियो लेक्चर में जैसे मैंने आपको बताया कि हम रिसर्च एप्टीट्यूड कवर करेंगे ये पूरे टॉपिक्स आपको क्लियर हो गए हैं उसको चेक करने के लिए हम आपके लिए वैल्यूएशन टेस्ट लेकर आते हैं जो कि सभी स्टूडेंट्स के लिए बिल्कुल बिल्कुल फ्री है सो so, आपको क्या करना है ग्लोबल ऑनलाइन ऐप इस तरह से आप देख सकते हो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा बिल्कुल फ्री एप डाउनलोड कीजिए वहां पे सर्च कीजिए यूजीसी नेट पेपर वन क्रैश कोर्स देन कंटेंट सेक्शन पे जाओगे तो हर एक यूनिट आपके सामने होगी किसी भी यूनिट पे क्लिक करोगे तो आपको टेस्ट यहाँ पे मिल जाएगा जिसमें कि बिल्कुल फ्री आप टेस्ट ले सकते हो आपको इससे पता चल जाएगा कि आज जो कुछ आपने इस सेशन में पढ़ा वो आपको क्लियर है या फिर नहीं है ओके कोई डाउट होगा तो आप मुझे इसी वीडियो के नीचे कॉमेंट कर सकते हो मैं डेफिनेटली आपको उसका आंसर दूंगी अब बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिसर्च की ये भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है तो रिसर्च के कैरेक्टरिस्टिक्स में सबसे पहले अगर हम लोग बात करें तो रिसर्च क्या होती है रिसर्च होती है एम्पेरिकल ठीक है रिसर्च क्या होती है एम्पेरिकल होती है एम्पेरिकल का मतलब क्या होता है इसको याद रखने का एक ट्रिक मैं बताती हूँ आप लोगों ने एम्पायर वर्ड सुना होगा किसी भी मैच में एम्पायर क्या करते हैं वो वहां पे जो प्लेयर्स होते हैं उनको ऑब्जर्व करते हैं ठीक है so, आप तो आपको पता चल जाएगा कि दैट वी आर टॉकिंग अबाउट एम्पेरिकल रिसर्च ओके सो इसमें हम क्या करते हैं एक्सपीरियंस के साथ यहाँ पे पर्सन काम करता है ना कि थ्योरी और उसके बिलीफ पे कि जो उन्होंने पढ़ा उसपे विश्वास नहीं करते जो उनको लगता है उस पर भी विश्वास नहीं करते जो उनका एक्सपीरियंस है उस पर विश्वास करके रिसर्च जो की जाती है उसको एम्पेरिकल रिसर्च बोला जाता है ओके okay? नेक्स्ट आता है फिर हमारे पास लॉजिकल रिसर्च सो लॉजिकल रिसर्च क्या होता है एक अच्छे रिसर्च को जो भी एक अच्छा रिसर्च होगा उसी को हम लॉजिकल रिसर्च बोलते हैं इसका मतलब क्या है कि जब हमने रिसर्च की है तो रिसर्च के दौरान हमने सारे रूल्स और रेगुलेशन को अच्छे से फॉलो किया है जो भी चीजें रिसर्च के अंदर होनी चाहिए जो भी रूल्स रिसर्च करते समय होने चाहिए हम उनको यूज करते हैं एंड लॉजिकल रिसर्च में हम लोग लॉजिकल रीजनिंग को भी यूज करते हैं इससे क्या होता है हमारा रिसर्च और भी ज्यादा मीनिंगफुल हमें लगने लगता है अगर कहीं पे भी आप लोगों को एक वर्ड नजर आता है डिसीजन मेकिंग यानी कि निर्णय लेना ये वर्ड अगर कहीं पे नजर आता है तो दैट मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट लॉजिकल रिसर्च राइट नेक्स्ट टाइप वी हैव इज साइक्लिक रिसर्च सो साइक्लिक रिसर्च क्या होता है जो कि कॉन्टिन्यूस साइकिल में काम करता है अगर हम लोग एक्शन रिसर्च की बात करें एक्शन रिसर्च एक है, है जो four steps को follow करता है, plan, act, observe, and reflect. आप लोगों ने अगर देखे हैं, तो ये क्वेश्चन आपने जरूर पढ़ा होगा तो ये किसके अंदर आता है ये साइक्लिक रिसर्च के अंदर आता है इसमें क्या होता है एक साइकिल में हम लोग इस तरह से ये फोर फेजेज पे क्रॉस होंगे एक चीज का सॉल्यूशन मिल गया फिर हम उसी साइकिल को उसी फेज पे दूसरा प्रॉब्लम लेके घूमेंगे so, इस तरह से हम काम करते हैं किस पे साइक्लिक रिसर्च के अंदर राइट right? नेक्स्ट आता है फिर हमारे पास एनालिटिकल रिसर्च सो जब भी हम लोग एनालिटिकल रिसर्च की बात करते हैं एनालिटिकल का मतलब क्या हो गया एनालाइज करना किसी भी चीज को अब यहाँ पे हम लोग एनालाइज किसको करते हैं फैक्ट्स और फिगर्स को यहां पे एनालाइज करते हैं हमेशा देन वी हैव क्रिटिकल साथ ही एनालिटिकल इसमें क्या होता है कि कोई स्टेटमेंट मान लीजिए रिसर्च के दौरान कोई स्टेटमेंट मैंने बोल दी वो स्टेटमेंट क्यों ट्रू है इस चीज पर फोकस किया जाता है उसके बाद अगला हमारे पास आ जाता है क्रिटिकल रिसर्च सो क्रिटिकल रिसर्च क्या होता है जितने भी हमारी सोशल इंक्वायरीज होती हैं ठीक है जिसका सेंट्रल इन्वॉर्वमेंट नॉलेज को बढ़ाना होता है वहां पर हम लोग क्रिटिकल रिसर्च की बात करते हैं अगला आ जाता है मेथोडोजिकल ये इम्पोर्टेंट नहीं है देन वी हैव जो है इसको यूज किया जाता है साइंटिफिक रिसर्च के अंदर ठीक है साइंटिफिक रिसर्च पेपर जब हम लोग लिखते हैं तो वहां पे इसको यूज किया जाता है रेप्लीकेबिलिटी रिसर्चर्स ऑनेस्ट तो यहाँ पे रिसर्चर की ऑनेस्टी ईमानदारी को ध्यान में रखा जाता है ठीक है उसके बाद आ जाता है हमारे पास फ़िज़िबल होना चाहिए उसके बाद आ जाता है एथिकल एथिकल का मतलब क्या होता है कि जो भी रिसर्च के प्रिंसिपल्स हैं जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, उनको हम फॉलो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं हम लोग कोई यहाँ पे गड़बड़ी या फिर बेईमानी से अपनी रिसर्च तो नहीं कर रहे ये सब चीजें आ जाती हैं रिसर्च के अंदर तो अगर एक रिसर्च को हम अच्छा रिसर्च बनाना चाहते हैं मानना चाहते हैं तो उसके लिए ये सभी कैरेक्टरिस्टिक्स होना बहुत ज्यादा जरूरी है नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास स्टेप्स इन रिसर्च सो रिसर्च में स्टेप्स हैं जो कि एग्जाम में पूछे जाते ही हैं हर साल ठीक है सो इन स्टेप्स को देखो सबसे पहले है आइडेंटिफिकेशन ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम अब कोई पर्सन रिसर्च क्यों करता है अब आप लोग नेट जीआरएफ एग्जाम दे रहे हो आप लोग अगर जीआरएफ क्वालीफाई करोगे तो आप लोगों को पीएचडी करनी होगी पीएचडी में आप लोगों को रिसर्च करनी होगी आप रिसर्च किस चीज पे करोगे आप रिसर्च उस चीज पे करोगे जो की एक प्रॉब्लम आपकी फील्ड में लोग फेस कर रहे हैं

कि लिटरेचर रिव्यू इससे रिलेटेड पहले अगर किसी ने रिसर्च की है तो वो पढ़ना भी हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है क्योंकि इससे हमें आइडिया लग जाता है इससे हमें ये पता चल जाता है कि कहीं जिस बारे में मैं रिसर्च करने का सोच रही हूँ वो चीज ऑलरेडी किसी और ने प्रॉब्लम सॉल्व तो नहीं कर दी तो आपकी रिसर्च वेस्ट हो जाएगी इसीलिए अपनी रिसर्च शुरू करने से पहले रिसर्च का लिटरेचर रिव्यू करना बहुत जरूरी है उसके बाद आता है फॉर्मुलेशन ऑफ कि परिकल्पना करना परिकल्पना एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक शिफ्ट आपको नहीं मिलेगी जहां पर इससे रिलेटेड क्वेश्चन नहीं पूछा होगा इस टॉपिक को हम आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे बहुत बड़ा ये टॉपिक है एंड बहुत इंपॉर्टेंट भी है इसको देखोगे तो दो नंबर आपके अभी पांच मिनट में पक्के हो जाएंगे ओके okay. नेक्स्ट आता है फिर प्रिपरेशन so, कौन कि -कौन लोगों से इंक्वायरी करनी है ये सब चीजें डेटा जो हमने कलेक्ट किया अब जरूरी नहीं है कि सौ लोगों से मैंने इंटरव्यू लिया तो सौ के सौ लोगों ने अच्छा रिव्यू दिया होगा है ना सो so, जो डेटा हम कलेक्ट करते हैं उसके बाद उस डेटा को एनालाइज करना इम्पोर्टेंट है उससे क्या होता है छंटाई हो जाती है कुछ चीजें हटा दी जाती हैं इंपॉर्टेंट चीजें सेव कर दी जाती हैं देन वी हैव एंड एंड इंटरप्रिटेशन रिपोर्ट राइटिंग फाइनली कंक्लूजन तो ये स्टेप्स आप लोगों को ध्यान में रखने ही है उसके बाद फिर नेक्स्ट आ जाता है क्वेश्चन अगर हम लोग देखेंगे स्टूडेंट्स तो यहाँ पे डायरेक्ट पूछा गया है स्टेप्स ऑफ रिसर्च इसका आंसर मैं आपको नहीं बताऊंगी ये आप लोगों के लिए एक होमवर्क क्वेश्चन है इसको अच्छे से देखिए वीडियो को पॉज करके वन टू थ्री फोर ऑप्शन आपके सामने गिवन है इसमें से जो भी करेक्ट आंसर है वो आप मुझे बताइए अगर आपका आंसर सही हुआ तो वेरी गुड अगर गलत हुआ तो मैं कमेंट में ही आपका रिप्लाई करूंगी लेकिन आंसर जरूर दीजिएगा ओके नेक्स्ट है हमारे पास टाइप्स ऑफ रिसर्च जिसमें 16 टाइप्स हम डिस्कस करेंगे जो कि हर साल एग्जाम में जरूर पूछे जाते हैं इसमें से कोई भी टाइप ऐसा नहीं है जो कि कम इम्पोर्टेंट है या ज्यादा इंपॉर्टेंट है सबकी वेटेज इक्वल है सबसे पहले वी हैव फंडामेंटल रिसर्च फंडामेंटल रिसर्च इज आल्सो नोन एज बेसिक रिसर्च और आल्सो नोन एज प्योर रिसर्च ठीक है इसमें क्या होता है अगर हम लोगों को कोई नए आइडियाज बनाने हैं कोई नई इंफॉर्मेशन ढूंढनी है तो इसमें हम इसको यूज कर सकते हैं फंडामेंटल रिसर्च क्या होता है आप जैसे कि मान लीजिए मैं आप लोगों को आप लोगों ने बहुत बार ऐसे देखा होगा कि हम कुछ भी चीजें सर्च करते हैं बहुत से लोगों को मैप मोबाइल में जो हमारा मैप होता है उसमें जो सैटेलाइट व्यू होता है वो देखने की आदत होती है तो उसको देखने के बाद हम क्या करते हैं किसी भी पूरे वर्ल्ड में किसी भी कंट्री को देख लेंगे अपनी सिटी अपने टाउन को हम जरूर देखते हैं कि कौन सी चीज कैसे इसमें दिखती है है ना तो ये क्या है ये फंडामेंटल रिसर्च है इसमें अगर मान लीजिए मैं दुबई देख रही हूँ तो इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि दुबई मैं अभी जाने ही वाली हूँ फ्यूचर में गई तो अलग चीज है बट अभी हम फंडामेंटल रिसर्च कर रहे हैं यानी कि कुछ चीज को सर्च कर रहे हैं कुछ चीज को देख रहे हैं जो कि शायद हमारे काम कभी आए या ना आए बस अपने नॉलेज के लिए अपने एंटरटेनमेंट के लिए हम इसको यूज करते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वी हैव इज अप्लाइड रिसर्च सो अप्लाइड रिसर्च क्या होता होता है है देखो ये एक साइकिल पहले बेसिक रिसर्च यानी कि फंडामेंटल रिसर्च आता है उसके बाद हमारे पास अप्लाइड रिसर्च आता है उसके बाद हमारे पास एक्शन रिसर्च आता है तो ये सीक्वेंस है ठीक है सो अप्लाइड रिसर्च में जो कुछ हमने ज्ञान इकट्ठा किया उसको अप्लाई करने का समय आ गया है अप्लाइड रिसर्च के अंदर ओके नेक्स्ट इसमें क्या होता है इमीडिएट प्रॉब्लम एक कीवर्ड है अप्लाइड रिसर्च के लिए

हॉस्पिटल्स हो गए स्कूल हो गए वहां पे यूज की जाती है कि कोई प्रॉब्लम है कोई बच्चा गिर गया तो हमें सोचना नहीं है हमें सीनियर अथॉरिटी से परमिशन नहीं लेनी है इमीडिएट एक्शन हमें चाहिए ओके सो उसके बाद आ जाता है फिर हमारे पास डिस्क्रिप्टिव रिसर्च सो डिस्क्रिप्टिव यानी कि किसी चीज को क्या करना डिस्क्राइब करना किसी चीज को डिस्क्राइब करना अब डिस्क्राइब कैसे करते हैं अगर मैंने अपना कोई सर्वे कर दिया कोई फैक्ट फाइंड कर दिया उनकी हम सिर्फ डिस्क्रिप्शन देते हैं मान लीजिए मेरी कंपनी ने मुझे सर्वे करने के लिए मार्केट में भेज दिया कि आप बताओ कि ट्वेंटी टू एज के कितने लोग जो हैं वो आप बोल सकते हो कि, कि किसी जॉब में ऑलरेडी है या फिर वो कोई अपना नया प्रोजेक्ट कर रहे हैं एंटरप्रन्योर्स हैं तो ये एक सर्वे पे भेज दिया तो डिस्क्रिप्टिव रिसर्च में क्या होगा मैं आपको पूरा एग्जेक्ट डेटा नहीं बताऊंगी कि मैंने क्या किया मैं सिर्फ आपको ये बताऊंगी कि अच्छा मैं यहाँ यहाँ गई मैंने ये ये काम किए दैट्स इट सिर्फ हम उसके डिस्क्रिप्शन देंगे सिर्फ उसका वर्णन करेंगे देन वी हैव एनालिटिकल रिसर्च एनालिटिकल रिसर्च में हम हमेशा लॉजिक्स के साथ काम करते हैं ये हमने पहले भी डिस्कस किया कैरेक्टरिस्टिक वाले सेक्शन में उसके बाद आ जाता है क्वालिटेटिव रिसर्च क्वालिटेटिव रिसर्च इज डन टू स्टडी द फिनोमिना दैट कैन बी एक्सप्लेन बियॉन्ड दी नंबर्स इसमें हम क्या करते हैं इसमें हम क्वालिटी किसी भी प्रोडक्ट की किसी भी रिसर्च के डेटा की क्वालिटी पे फोकस करते हैं अब मान लीजिए कोई लड़की है ए उसके पास सिर्फ तीन जोड़ी शूज है एंड लड़की बी है उसके पास ट्वेंटी पेयर ऑफ शूज है ठीक है so, सो इसके पास क्या है तीन है लेकिन वो बेस्ट क्वालिटी के है एंड बी के पास क्या है क्वांटिटी ज्यादा है ट्वेंटी ट्वेंटी पेयर ऑफ शूज है क्वांटिटी ज्यादा है बट वो बेस्ट है कि नहीं है इसकी कोई गारंटी नहीं है ठीक है सो क्वांटिटी में हम नंबर्स के साथ काम करते हैं लेकिन क्वालिटी में नंबर्स के साथ नहीं उसके फीचर्स के साथ हम काम करते हैं एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि एग्जाम में पूछा जाता है वो ये है कि जो हमारी क्वालिटेटिव रिसर्च होती है ये इंडक्टिव होती है इंडक्टिव का मतलब क्या होता है नीचे के लेवल से ऊपर के लेवल की ओर जाती है है एंड क्वांटिटेटिव क्या होता है? ये हमारे पास डिडक्टिव होती है जो कि ऊपर के लेवल से नीचे के लेवल पे किसी को लेकर के आती है अगला आता है कॉन्सेप्चुअल रिसर्च सो कॉन्सेप्चुअल रिसर्च यानी कि कॉन्सेप्ट क्लैरिटी इसमें क्या होता है थ्योरी होती है एब्स्ट्रैक्ट होती है नेचर में आइडियाज और थ्योरी के साथ यहाँ पे काम किया जाता है कि जिस भी चीज पे हम रिसर्च कर रहे हैं उसका कॉन्सेप्ट क्या है उसके पीछे का कारण क्या है इन चीजों पर यहाँ पे फोकस किया जाता है नेक्स्ट आता है हमारे पास एम्पेरिकल रिसर्च जो कि हम कैरेक्टिस्टिक में डिस्कस कर चुके हैं ऑब्जर्वेशन और एक्सपीरियंस के साथ उसमें काम किया जाता है

पब्लिक फेस कर रही है तो क्यों कर रही है इसका कारण क्या है एंड स्टूडेंट्स अगर इस जैसे यहाँ पे ये तो शॉर्ट वीडियोस है वन आवर में हमें कंप्लीट रिसर्च एप्टीट्यूड करना है अगर आप लोगों को डिटेल वीडियो चाहिए ये सारे कॉन्सेप्ट डिटेल में चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कीजिए वहां पर आपको लिंक मिल जाएगा नेक्स्ट आता है हमारे पास इंक्रीमेंटल रिसर्च इंक्रीमेंटल रिसर्च जो है वो इस तरह से स्टेप बाय स्टेप हमें आगे लेकर के इम्पोर्टेंट है, है भी नहीं तो इस पर हम ज्यादा ध्यान नहीं देंगे नेक्स्ट वी हैव एक्सपोस्ट एक्सपोस्ट फैक्टो फैक्टो एक बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि एग्जाम में आता है इसकी एक स्टेटमेंट ध्यान से सुनिएगा हिंदी वालों को भी बताती हूँ अभी इट इज अ टाइप ऑफ रिसर्च दैट इज कैरिड आउट आफ्टर द इंसिडेंट एक ऐसा रिसर्च है जब कोई इंसिडेंट हो गया उसके बाद हमें पता चलता है और उसके बाद हम रिसर्च शुरू करते हैं ठीक है एक्सपोज फैक्टो रिसर्च को हम बोल सकते हैं आफ्टर द फैक्ट यानी कि कोई फैक्ट हो गया उसके बाद रिसर्च करेंगे नेक्स्ट इज हिस्टोरिकल रिसर्च जो हिस्ट्री से रिलेटेड होता है पहले हमने कोई डेटा कलेक्ट किया है ठीक है या फिर हिस्टोरिकल होते हैं हैं उसको लेकर के रिसर्च करते आप लोगों ने जैसे बहुत बार सुना होगा फॉर एग्जाम्पल हम लोग ताजमहल ताजमहल की बात करें तो ताज महल कब से बना है कितने ज्यादा लोग वहां पे रिसर्च कर चुके हैं लेकिन फिर भी अभी वहां पे रिसर्च होती रहती है तो ये हिस्टोरिकल रिसर्च का एक एग्जाम्पल ठीक है इसको हम लोग हिस्ट्रोग्राफी इसमें जनरली यूज की जाती है एंड ये कौन से टाइप का डेटा यूज करता है बेसिकली ये करता है क्वालिटेटिव ठीक है क्वालिटेटिव रिसर्च को ये यूज करता है डिडक्टिव एंड इंडक्टिव मैंने आप लोगों को बता दिया इसमें एक और इंपॉर्टेंट चीज है देखो डिडक्टिव अगर हम लोग डिडक्टिव की बात करें तो ऊपर से नीचे की ओर आता है जिसको हम बोलते हैं पर्टिक्युलर टू जनरल ठीक है वहीं अगर हम लोग इंडक्टिव की बात करें इंडक्टिव की बात करें तो वो आ जाता है फ्रॉम जनरल टू पर्टिकुलर, ओके लास्ट आता है हमारे पास एक्सपेरिमेंटल रिसर्च जिसमें हम उसके कॉज एंड इफेक्ट पे फोकस करते हैं इसको हम फैक्टो का ही एक टाइप भी मान सकते हैं ठीक है इसमें क्या होता है एक्सपेरिमेंट्स होते हैं एंड इस तरह का जो रिसर्च है वो हाइपोथेसिस यानी कि परिकल्पना को यूज करता है अब देखो साइंटिस्ट जो रिसर्च करते हैं वो उसमें क्या ध्यान रखते हैं चीजों पे कि अगर हम लोग रिसर्च कर रहे हैं मान लीजिए साइंटिस्ट ने दो केमिकल्स को मिलाना है तो वो पहले उसमें परिकल्पना करते हैं कि ब्लास्ट भी हो सकता है मे भी हो सकता है इससे कोई बड़ी बीमारी भी फैल सके या हो सकता है कि जिस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हम ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं वो ये दो केमिकल्स को मिला के सोल्यूशन भी मिल सकता है तो इस तरह से जो चीजें होती हैं वो सब आती है एक्सपेरिमेंटल रिसर्च के अंदर अब देखो स्टूडेंट्स जितने भी टाइप्स हमने अभी तक डिस्कस किए उन सभी टाइप्स को ध्यान में रखते हुए एक क्वेश्चन मैंने ऐड किया है जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है इसका आंसर भी आप मुझे क्या करोगे कमेंट करके बताओगे एंड मैंने देखा लास्ट uh, कल मैंने टीचिंग एप्टीट्यूड पे वन आवर सेशन आप लोगों के लिए लाया था उसमें भी मैंने होमवर्क क्वेश्चंस आपको दिए थे लेकिन बहुत कम स्टूडेंट्स ने रिप्लाई किया ऐसा मत कीजिए ये क्वेश्चंस आप लोगों की प्रिपरेशन को बेहतर बनाने के लिए ही है मैं आपको श्योरिटी देती हूँ कि ये क्वेश्चन अगर आपको एग्जाम में एज इट इज आ गया और आपने आंसर दिया होगा तो आप लोग बोलोगे थैंक यू बोलोगे वहां पे कि यस मैम ने हमें कहा था हमें फोर्स किया था रिप्लाई करने के लिए एंड इसलिए इजीली हम इसको आइडेंटिफाई कर सके तो इसीलिए स्टूडेंट्स जो हम कहते हैं आप लोग उस चीज को फॉलो कर लीजिएगा नेक्स्ट so टॉपिक पर बढ़ते हैं जो कि है रिसर्च एथिक्स रिसर्च एथिक्स एथिक्स का मतलब होता है नैतिकताएं तो so नैतिकता नैतिकता एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है कुछ भी काम अगर आप कर रहे हो तो अगर आप लोग उस चीज में नैतिक हो तो आप लोग डेफिनेटली सक्सेसफुल होंगे इसके एक एग्जाम्पल अगर मैं आपको बताऊं कि अगर आप लोग अपनी पढ़ाई कर रहे हो आप लोग एक प्रॉपर रूल एंड रेगुलेशन को फॉलो करते हुए यहाँ पे काम कर रहे हो तो वो एक नैतिकता आप फॉलो कर रहे हो ठीक है जो कि एथिक्स है सो so, रिसर्च में भी कुछ रूल्स होते हैं जो कि आपको फॉलो करने चाहिए एग्जाम में पूछे जाते हैं एथिक्स आर द प्रिंसिपल्स और गाइडलाइंस दैट हेल्प अस टू द थिंग्स वी वैल्यू रिसर्च एथिक्स इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर दिलेक्शन ऑफ वेरिएबल एंड डेटा कलेक्शन सिंपल लैंग्वेज में अगर हम बोले तो ये सक्सेसफुल रिसर्च का एक लास्ट स्टेज होता है जो हमने कंक्लूजन और फाइनल रिजल्ट बताया रिसर्च एथिक्स में आपको ये ध्यान रखना होता है कि कहीं आप किसी और का डेटा कॉपी तो नहीं कर रहे कहीं इसपे इन चीजों पर ध्यान रहता है कि ऐसा कई बार क्या होता है की मान लीजिए मैंने एक रिसर्च की रिसर्च रिपोर्ट में मुझे लोगों ने रैंक दिया एट आउट ऑफ टेन तो मुझे अपनी रिसर्च थीसिस में एज इट इज रिजल्ट वहां पे मेंशन करना है एज इट इज डेटा वहां पे मेंशन करना है ऐसा नहीं है कि वहां पे मैं नाइन आउट ऑफ टेन कर दू तो ये रिसर्च की नैतिकताओं के अंदर आता है कि आप लोग कितने ज्यादा ऑनेस्ट हो कितने ज्यादा ईमानदार हो अपनी रिसर्च को लेकर के कि जो भी आउटपुट आपकी आ रही है अगर आप में से कोई स्टूडेंट ये वीडियो देख रहे हैं एंड आप लोगों ने केमिस्ट्री या फिजिक्स के प्रैक्टिकल्स अगर स्कूल uh, कॉलेज के समय पे किए हुए हैं तो आपको पता होगा कि उसमें छोटी छोटी जीरो पॉइंट जीरो एट वैल्यू भी अगर आती है एंड अगर हमें ये कहा जाता है कि करेक्ट आंसर होगा जीरो पॉइंट जीरो नाइन के बाद तो हम क्या करते थे स्कूल लेवल पे हम लोग वैल्यू चेंज कर देते थे कि माइनर सा डिफरेंस है तो ये अनएथिक हो जाता है रिसर्च में आप लोगों को यही सिखाया जाता है कि इस तरह का काम ना किया जाए इसी के साथ अगर हम लोग रिसर्च एथिक्स में बात करें तो एक पर्सन पंक्चुअल होना बहुत जरूरी है ठीक है पंक्चुअल होना बहुत जरूरी है इसमें आप लोगों को अगर साइंटिफिक रिसर्च कर रहे हो ठीक है साइंटिफिक रिसर्च कर रहे हो तो साइंटिफिक परमिशन होना बहुत जरूरी है आप लोग जो रिसर्च के दौरान केमिकल्स यूज करते हो लिक्विड्स और गैसेस यूज करते हो वो किसी को हार्म ना पहुंचाए वो सब चीजें भी यहाँ पे आती है तो इसलिए साइंटिफिक परमिशन जरूरी होती है उसके बाद आ जाता है ऑनेस्टी एंड ऑब्जेक्टिविटी ठीक है सो ऑनेस्टी मैंने आपको बताया कि आप ईमानदार होने चाहिए ऑब्जेक्टिविटी मतलब आपका ऑब्जेक्टिव क्या है आप लोग क्यों ये रिसर्च कर रहे हो कौन सी प्रॉब्लम को आपको ध्यान में रख के रिसर्च करनी है इसको ना भूलते हुए आपको अपनी रिसर्च को अच्छे से हमेशा करना ही है तो जितनी नैतिकताएं हैं इनको नोट कर लीजिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे एक सेपरेट सीरीज में आपके लिए लाई हूं उसको आप लोग देख लीजिए आपको एक क्लियर आइडिया हो जाएगा कि इसमें से कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो अगला टॉपिक आता है हमारे पास सैम्पलिंग Tampling एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है आप देखो रिसर्च में अब मान लीजिए कि किसी यूनिवर्सिटी में मैं जा रही हूँ अपने रिसर्च की लोगों से रिव्यू लेने स्टूडेंट्स के रिव्यू लेने के लिए ठीक है तो उस दौरान क्या हो गया कॉलेज में गई वहां पे पांच हजार स्टूडेंट्स मेरे सामने थे अब पांच हजार लोगों से अगर मैं रिव्यू लेती या उनका कोई फीडबैक लेती किसी ऐप को लेके या किसी रिसर्च को लेके तो वो चीजें पॉसिबल नहीं है तो पांच हजार में से मुझे अगर सिर्फ अपनी फाइल में सौ लोगों का डेटा कलेक्ट करना है तो मैंने क्या किया मैंने कर दी सैम्पलिंग इसको नमूना बोला जाता है ठीक है so, सो ये टोटल नंबर ऑफ ऑडियंस था जिसको कि क्या बोला जाता है पॉपुलेशन बोला जाता है एंड ये जो हमने कर दिया ये क्या है सैंपल साइज हमारा हो गया ओके ग्रुप यू विल एक्चुअली कलेक्ट डेटा फ्रॉम इन योर रिसर्च सो हमने कुछ लोगों को सेलेक्ट किया जिनसे इजीली हम अपना डेटा कलेक्ट कर सकते थे फॉर एग्जाम्पल अगर मान लीजिए कि मैंने अपनी ऑनलाइन कोई वेबसाइट बनाई है एबीसी नाम से

इसीलिए हम क्या करते हैं सैंपलिंग को यूज करते हैं हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स भी यहाँ पे देख सकते हो बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में मैं आप लोगों को कॉन्सेप्ट समझा रही हूँ ताकि आप लोग किसी भी मीडियम में पेपर वन देने वाले हो आप लोग इजिली यहाँ पे पढ़ सको एंड समझाया हुआ मेरा इजिली समझ सको सो so, सैंपलिंग के डिफरेंट टाइप्स होते हैं एग्जामिनेशन में सैंपलिंग के बेसिक डेफिनेशन एंड टाइप्स जरूर आते हैं हंड्रेड परसेंट श्योर है जितनी भी शिफ्ट होती है सभी में ये क्वेश्चन आता है तो सैम्पलिंग में पहला आता है प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग दूसरा आता है नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग दोनों को फर्दर फोर फोर सेक्शंस में डिवाइड किया जाता है ओके okay, सो so इनके नाम आपको पता होने चाहिए एग्जाम में ऐसा पूछा जा सकता है कि प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग मेथड्स के अंदर कौन कौन सी चीजें आती है तो एक आधा इसको भी इंक्लूड किया होगा तो आपको बताना है कि ये नहीं आता बाकी के चार आते हैं तो so इस तरह के क्वेश्चन होते हैं ठीक है सो सैम्पलिंग में जितने मेथड्स हैं हम इनको डिस्कस करते हैं थोड़ा थोड़ा इंट्रोडक्शन उनका मैं आपको बताती हूँ सो प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग की अगर हम पहले बात करते हैं सो so, इसमें क्या होता है रैंडम सिलेक्शन होता है रैंडम सिलेक्शन का मतलब पांच हजार बच्चे थे पांच हजार में से मैंने सौ को सेलेक्ट किया अब मैंने किसी भी राह चलते सौ लोगों को उठा लिया मैंने इसमें ऐसा नहीं देखा कि मुझे सौ लड़कियां ही चाहिए मुझे सौ लड़के ही चाहिए या फिर मुझे सौ ऐसे बच्चे चाहिए जो कि कंप्यूटर साइंस बैकग्राउंड के हो ठीक है ऐसा हमने कुछ भी नहीं देखा तो प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग क्या करती है रेंडम सिलेक्शन करती है बस पांच हजार में से मैंने जो कैंपस में घूम रहे थे कोई भी सौ बच्चे पकड़ लिए एंड उनसे रिव्यू ले लिया नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में क्या आता है पांच हजार में से मैंने ऐसे सौ बच्चे सेलेक्ट करने हैं जो कि सोशल वर्क करते हो तो पहले हम उनसे पूछेंगे कि क्या आप सोशल वर्क करते हो या फिर सौ ऐसे बच्चे हमें सेलेक्ट करने हैं जो कि कंप्यूटर साइंस बैकग्राउंड से हो ठीक है so सो ये होता है नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें इनके डिफरेंट टाइप्स की तो सबसे पहले आता है सिंपल रेंडम सैंपलिंग जो मैंने अभी आप लोगों को एग्जाम्पल बताया वो डायरेक्टली उसी का एक पार्ट है इसमें अनबायस्ड रिप्रेजेंटेशन होता है अनबायस मतलब किसी से भेदभाव नहीं किया जाता जो मुझे पहले सौ बच्चे मिल जाएंगे मैं उन्हीं को उठा करके अपना रिव्यू ले लूंगा क्लस्टर सैंपलिंग क्या होता है ठीक है उसके बाद आता है क्लस्टर सैंपलिंग क्लस्टर सैंपलिंग में जो ये पांच हजार बच्चे थे उनको हमने छोटे छोटे क्लस्टर्स में डिवाइड कर दिया ठीक है छोटे छोटे मॉड्यूल्स में डिवाइड कर दिया ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया एंड फिर उन ग्रुप्स में से हम लोगों को उठाते हैं इसको भी मैं एक सिंपल लैंग्वेज में अगर आपको बताऊं, पांच हजार में से हमने क्या किया हजार हजार के

इंटरवल को काम में लाता है ठीक है फिक्स्ड नंबर ऑफ पीरियड यहाँ पे होता है ठीक है सो कहीं पे भी देखो स्टूडेंट इसका ट्रिक बताती हूँ कहीं पे भी इंटरवल टर्म अगर आपको नजर आती है कि छोटे छोटे समय समय के बाद कि कुछ समय हमने काम किया कुछ समय हमने ब्रेक ले ली सैम्पलिंग के लिए इस तरह का अगर आपको कहीं पे वर्ड नजर आते हैं दैट मींस वी आर टॉकिंग अबाउट सिस्टमैटिक सैम्पलिंग अगला आता है स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग इसको सिंपली स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग भी बोला जाता है स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग क्या करता है ये 5000 वाली ऑडियंस को छोटे छोटे स्ट्राटा में डिवाइड कर देगा स्ट्राटा का मतलब हो गया स्मॉल ग्रुप्स जैसे कि हमने क्लस्टर्स में किया था वैसे यहाँ पे छोटे छोटे ग्रुप्स में डिवाइड करता है इसमें किस तरह से डिवाइड किया जाता है किसी की एज के हिसाब से किसी की जेंडर के हिसाब से किसी की इनकम के हिसाब से किसी के जॉब रोल के हिसाब से हम उनको सेलेक्ट कर सकते हैं तो ये होता है स्ट्रेटिफाइड रेंडम सैम्पलिंग नेक्स्ट इज नॉन प्रोबिलिटी सैम्पलिंग नॉन प्रोबेबिलिटी में सबसे पहले आता है हमारे पास कन्विंसिंग सैंपलिंग सो उसके कुछ की वर्ड में आपको बता दूं जो कि एग्जाम में आते हैं जैसे कि अगर आपको एक वर्ड नजर आता है एक्सीडेंटल यानी कि गलती से ठीक है ग्रैब यानी कि किसी चीज को पकड़ लेना हड़प लेना इस तरह से या फिर अपॉर्चुनिटी तो ये तीनों चीजें आ गई कन्वीनियंस सैंपलिंग के अंदर उसके बाद आ जाता है अगर हम बात करें जजमेंटल या फिर पर्पज ऑफ सैंपलिंग की तो इसमें अगर हम किसी को जज कर रहे हैं ठीक है या फिर हम किसी को सेलेक्ट कर रहे हैं या फिर हम यहाँ पे सब्जेक्टिविटी की बात कर रहे हैं तो ये आ जाएगा इसके अंदर उसके बाद आता है अगर कोटा सैंपलिंग की बात करें हम लोग तो कोटा सैंपलिंग कोटा सैम्पलिंग जो है एक इंपॉर्टेंट टाइप है ठीक है इसमें हम सैंपल्स डिवाइड कर लेते हैं वॉलेंटरली यहाँ पे पार्टिसिपेट किया जाता है देन वी हैव स्नोबॉल सैंपलिंग जिसका की दूसरा नाम है चेन रेफरल सैंपलिंग

पचास का फिर ग्रुप डिस्कशन होगा उसके बाद ग्रुप डिस्कशन के बाद तीस बच्चे सेलेक्ट हो गए ग्रुप डिस्कशन के बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होती है उसमें हमने फाइनली दस सेलेक्ट कर दिए तो ये क्या है ये स्नोबॉल सैम्पलिंग है चेन के रूप में ये काम करता है ओके okay? तो इसके बाद आई होप स्टूडेंट्स यहाँ तक मैंने आज जो भी आप लोगों को बताया है सैम्पलिंग के डिफरेंट मेथड्स ये आप लोगों को बिल्कुल क्लियर हो चुके हैं इसमें अगर कोई भी डाउट है तो आप मुझे इसी वीडियो के नीचे कॉमेंट कर सकते हो या फिर इसके अलावा अगर आपको चाहिए कि किसी सेपरेट वीडियो पर किसी सेपरेट टॉपिक पर मैं आपके लिए सेशन लेकर आऊँ तो भी आप मुझे कमेंट कर दीजिए मैं डेफिनेटली आप सभी स्टूडेंट्स की मदद करूंगी अगला टॉपिक है हमारे पास हाइपोथेसिस जैसे कि मैंने आपको अभी बताया इसका मतलब होता है परिकल्पना करना। अब देखो, अब इसको मैं पहले रियल के पास फिर गई मैं अपनी फ्रेंड बी के पास फिर गई मैं अपनी फ्रेंड सी के पास ठीक है तो इन तीनों ही फ्रेंड्स ने क्या किया फ्रेंड ए ने कोई आइडिया दिया फ्रेंड बी ने कोई आइडिया दिया फ्रेंड सी ने कोई आइडिया दिया मुझे जो फ्रेंड सी थी उसका आइडिया बिल्कुल पसंद नहीं आया तो उसको मैंने पहले ही रिजेक्ट कर दिया ये हाइपोथेसिस के हाइपोथिस की ओर हम जा रहे हैं ठीक है फ्रेंड ए ने जो आइडिया दिया मुझे लगा कि हाँ, ये अच्छा है इससे शायद मेरी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मुझे मिल जाएगा फ्रेंड बी का भी मुझे ऐसे ही लगा उसके बाद जब हम उसके आइडिया के बारे में दोनों के आइडिया के बारे में डिटेल में सोचने लगे कि अगर इसका आइडिया पे मैं काम करती हूँ तो मे भी हो सकता है कि इस प्रॉब्लम से बाहर निकल जाऊं लेकिन किसी और दूसरी तो प्रॉब्लम में फंस जाऊं दूसरे फ्रेंड का भी यही होता है रिसर्च के दौरान इसमें अगर किसी प्रॉब्लम में हम लोग फंस चुके हैं देखो रिसर्च हम करते ही है किसी प्रॉब्लम से बाहर निकलने के लिए ठीक है सो किसी रिसर्च के प्रॉब्लम में अगर हम लोग फंस चुके हैं उससे बाहर निकलना है तो हम क्या करते हैं हम लोग करते हैं ये हाइपोथेसिस हमें मदद करता है आइडिया लगाने में कि अगर मेरे पास चार रास्ते हैं तो इन चारों रास्तों में से कौन सा वो रास्ता मुझे अपने डेस्टिनेशन तक अपने सॉल्यूशन तक पहुंचाने में मदद करेगा स्टेटमेंट दैट अ रिसर्च क्वेश्चन एंड प्रपोजेस एन एक्सपेक्टेड रिसर्च ठीक है सो हाइपोथेसिस एक ऐसी स्टेटमेंट होती है जो कि रिसर्च के क्वेश्चन के बारे में हमें इंट्रोडक्शन भी देती है उससे हमारी अच्छे से जान पहचान भी करवाती है उसकी प्रस्तुति करवाती है एंड उसका जो एक्सपेक्टेड रिजल्ट होगा उसके बारे में भी हमें जानने में मदद करती है अ हाइपोथेसिस इज एन अजम्पशन ठीक है ये क्या है एक धारणा है एन आइडिया दैट इज प्रपोज फॉर द सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट सो दैट इट कैन बी टेस्टेड टू सी इफ इट माइट बी ट्रू जैसे कि मैंने बताया किसको हम क्या करते हैं एक सिचुएशन रखते हैं एक धारणा हम अपने सामने रखते हैं फिर तर्क लगाते हैं कि अगर मैं ये करूं तो क्या सॉल्यूशन मिलेगा अगर मैं वो करूं तो क्या सॉल्यूशन मिलेगा तो हाइपोथेसिस टेस्टिंग यूज सैंपल डेटा टू मेक इन्फेरेंस अबाउट द प्रॉपर्टीज ऑफ अ पॉपुलेशन स्टडी इन हाइपोथेसिस टेस्टिंग अ स्टेटमेंट अबाउट द पॉपुलेशन पैरामीटर एंड देन अ रैंडम सैंपल फ्रॉम

तो हाइपोथेसिस टेस्टिंग में हमारे पास दो चीजें आती हैं एक नल हाइपोथेसिस एक ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस ये दोनों ही एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ठीक है so, सो इस पे जाने से पहले आप लोगों को मैं हाइपोथेसिस का नेचर बता देती हूँ ठीक है सो so, ये क्या होता है अल होता है यानी कि हमारे इससे कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए अगर मेरे को किसी ने आइडिया दिया प्रॉब्लम से निकलने के लिए एंड मैं डायरेक्टली उस राह पे चल पड़ी उसका आइडिया मैंने इंप्लीमेंट कर दिया तो हो सकता है कि मैं किसी बड़ी प्रॉब्लम में फंस जाऊ है ना तो इसीलिए जो कॉन्सेप्ट है जो प्रॉब्लम है पहले हमें वो अच्छे से पता होना जरूरी है तभी हाइपोथेसिस हमें मदद करता है उसके बाद उसके बाद इसका नेचर क्या होता है वर्बल होता है एंड डिक्लेरेटिव होता है डिक्लेरेटिव का मतलब है कि कोई सॉल्यूशन तक हमें पहुंचाएगा ये फाइनली हम यहीं पे स्टेटमेंट में देख लेते हैं एंड उसके साथ ही इसमें एक और चीज होती है जिसको बोला जाता है एम्पीरिकल रेफरेंस एम्पीरिकल मैंने आपको वर्ड बहुत बार बता दिया है सो एम्पीरिकल रेफरेंसेस भी इसके अंदर आते ही हैं एंड जो भी हमारा रिसर्च हाइपोथेसिस होता है वो ना तो स्पेसिफिक होता है अच्छे ढंग से ना ही वो जनरल होता है ओके okay? अगला अगर हम बात करें जैसे कि मैंने आपको बताया रिसर्च हाइपोथेसिस में टेस्टिंग जरूरी है तो टेस्टिंग हमें मदद करती है कि क्या हम रिसर्च सही कर रहे हैं क्या ये आइडिया हमें सही सॉल्यूशन तक पहुंचाएगा या फिर नहीं पहुंचाएगा तो नल हाइपोथीसिस की हम बात कर रहे थे नल हाइपोथेसिस का एक और नाम होता है जिसको बोला जाता है स्टेटिस्टिकल हाइपोथिस एंड इसको एच जीरो बोल सकते हैं इससे रिप्रेजेंट किया जाता है नल हाइपोथिस प्रपोजेस और देयर इज नो रिलेशनशिप नल का मतलब होता है नो no, ऐसे याद रख लीजिए ठीक है तो ये बोलता है देयर इज नो रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स तो दो वेरिएबल्स हैं तो चीजें हैं उनके बीच में कभी भी कोई रिश्ता नहीं हो सकता ये नल बोलता है 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 ठीक सो अगर एक और चीज पे है, कि अगर हम लोग इस नल हाइपोथीसिस को एज अ रिसर्चर अगर हम उसको रिजेक्ट कर देते हैं तो क्या होता है इसका मतलब ये होता है कि हमने जो हमारा सेकंड हाइपोथीसिस है जो कि अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस है उसको एक्सेप्ट कर लिया ये ऑटोमेटिक काम करता है अगर हमने नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर दिया दैट मींस हमने अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस को क्या किया है एक्सेप्ट कर लिया है अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस क्या होता है तो अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस को H1 या फिर H1 के नाम से जाना जाता है जैसे इसको H0 के नाम से जाना जाता था ठीक है तो इसको हम रिसर्च हाइपोथेसिस भी बोलते हैं कभी अगर एग्जाम में आप लोगों को अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस की जगह ऑप्शन में रिसर्च हाइपोथेसिस लिखा होगा तो आप समझ जाइएगा कि यही है वो ठीक है सो इट कंसिस्ट ऑफ स्टेटमेंट अबाउट द एक्सपेक्टेड रिलेशनशिप ऑफ वेरिएबल इसमें बोला जाता था नल में कि इन दोनों के बीच में कोई भी रिलेशनशिप नहीं होता एंड अल्टरनेटिव बोलता है कि दो वेरिएबल्स के बीच में रिलेशनशिप जो है वो होता ही है अब इसमें क्या बोला जाता है इसमें ये बोला जाता है कि इसका एक एग्जाम्पल देते हैं ऑल्टरनेटिव बॉयज और गर्ल्स के कुछ भी काम सीखने के तरीके में कोई भी डिफरेंस नहीं होता ये हमें बोलता है नल हाइपोथेसिस। एंड बॉयज और गर्ल्स के सीखने के तरीके में बहुत फर्क होता है ये हमें बोलता है ऑल्टरनेटिव हाइपोथिस तो आई होप इस एग्जाम्पल से आपका ये बिल्कुल क्लियर हो चुका होगा इसके साथ ही देयर आर बेसिकली टू टाइप्स ऑफ एरर्स इन लोग बात करें यहीं पे मैं आप लोगों को बता देती हूँ ठीक है टाइप वन एरर की अगर बात करें इसको अल्फा बोला जाता है इस तरह से हम अल्फा को लिखते हैं ठीक है या फिर इसको हम क्या बोलते हैं फॉल्स पॉजिटिव फॉल्स पॉजिटिव यहां पे आप देख सकते हो टाइप वन एरर फॉल्स पॉजिटिव एरर यानी कि क्या था इसमें क्या होता है इट अकर्स इन एन इन्वेस्टिगेशन इफ द इन्वेस्टिगेटर रिजेक्ट्स अ नल हाइपोथेसिस दैट इज एक्चुअली ट्रू एक हमारा परिकल्पना थी एक हमारा हाइपोथेसिस था जो कि बिल्कुल ट्रू था जो कि हमें सॉल्यूशन तक ले जाता लेकिन हमने क्या किया गलती से उसको हमने रिजेक्ट कर दिया तो हमने कौन सा एरर कर दिया हमने टाइप वन एरर कर दिया ट्रू एंड रिजेक्टेड यानी कि अगर हमने नल हाइपोथीसिस क्या था बिल्कुल ट्रू था एंड हमने उसको रिजेक्ट कर दिया तो वो हमने टाइप वन एरर कर दिया ओके okay. नेक्स्ट होता है हमारे पास नेक्स्ट आता है हमारे पास टाइप टू एरर ठीक है टाइप टू एरर को क्या बोला जाता है बीटा नाम से जाना जाता है इसको हम इस तरह से लिखते हैं इसको क्या बोला जाता है इसको बोला जाता है फॉल्स नेगेटिव यहाँ पे आप देख सकते हो इसको फॉल्स नेगेटिव एरर बोला जाता है एंड इट अकर्स वेन द इन्वेस्टिगेटर फेल्स टू रिजेक्ट नल हाइपोथिस जब हमने नल हाइपोथिस को रिजेक्ट करना था लेकिन रिजेक्ट नहीं किया नल हाइपोथेसिस गलत था नल हाइपोथेसिस गलत था हमको इसको जो है एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए था लेकिन हमने इसको गलती से एक्सेप्ट कर लिया तो इस केस में क्या हो गया इस केस में हम लोगों ने टाइप टू एरर कर दिया एक बार फिर से रिपीट करती हूँ व्हेन द नल इज फॉल्स एंड यू फेल टू रिजेक्ट इट यू मेक अ टाइप टू एरर तो ये है कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जो कि आपको हाइपोथेसिस एंड उसके टेस्टिंग से रिलेटेड पता होनी चाहिए